लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल मोदी सरकार की घेराबंदी में जुट गया है, तो दूसरी तरफ केंद्र की एजेंसियों की सक्रियता भी इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और निशाने पर है विरोधी दल के नेता। आज ईडी के अधिकारियों ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की है, तो क्यों हुई है सोरेन से पूछताछ, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड भूमि घोटाले को लेकर आज ईडी की टीम रांची पहुंची और सीएम हेमंत सोरेन से लंबी पूछताछ की। पूछताछ से पहले सीएम आवास के आसपास केंद्रीय बलों को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया, तो दूसरी तरफ सीएम आवास से कुछ ही मीटर दूरी पर जेएमएम के कार्यकर्ता और सीएम के समर्थक बड़ी संख्या में जमा होकर प्रदर्शन किया। ईडी ने पूछताछ के लिए पहले 7 समन भेजे थे और जब 8वां समन आया तो हेमंत सोरेन ने ईडी को अपने घर पर ही बुला लिया। दरअसल ये पूरा मामला रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद से जुड़ा हुआ है। इस मामले में प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य आरोपियों पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में मामला दर्ज किया गया था और बाद में इसमें ईडी की एंट्री हो गई। ईडी अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और दावा तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के भी हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज ईडी की ओर से सिर्फ पूछताछ की गई है। ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के बाद संकेत दिया कि हेमंत सोरेन से आगे भी पूछताछ की जा सकती है, जल्द ही उन्हें एक और समन भेजा जा सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।